चले बात करते हैं देवरिया की, जहां पर देवरिया में एक व्यापारी के घर पर कुछ बदमाशों की तरफ से हमला किया गया है। आपको बताएं कि ईंट पत्थरों से हमला यहां पर देवरिया में व्यापारी के घर को बनाया गया, जिसके बाद पूरा परिवार तत्मय है। तो वहीं कार्रवाई की बात पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर करती हुई नजर आ रही है, दिखाते हैं आपको। बदमाशों ने व्यापारी के घर पर किया हमला। घर पर जमकर बरसाए ईंट पत्थर। बदमाशों के हमले से दहशत में परिवार। बदमाशों के आतंक की ये तस्वीरें यूपी के देवरिया से सामने आई हैं, जहां बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इन बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर पर हमला बोल दिया। एक दो नहीं, करीब 6 से ज्यादा बदमाशों ने ये हमला किया। बदमाशों ने व्यापारी के घर पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए, साथ ही घर के बाहर मौजूद कार और बाइक में भी जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही वहां पर व्यापारी को धमकी देकर ये बदमाश वहां से फरार हो गए। पूरा मामला देवरिया के भटवलिया चौराहे का है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी के घर पर हमला किया। हालांकि मौका रहते परिवार के लोग घर में चले गए और खुद को घर के अंदर बंद कर लिया, नहीं तो बदमाश परिवार के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। बदमाशों के हाथ जो लगा ईंट पत्थर, उसी से घर पर हमला किया। गनीमत ये रही कि घर के अंदर मौजूद परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन बदमाशों ने घर को और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा बदमाशों ने व्यापारी के परिवार को धमकी भी दी है, जिससे व्यापारी का पूरा परिवार दहशत में है। फिलहाल पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी फल मंडी में फलों का थोक कारोबार करता है, लेकिन उसी के पड़ोस में रहने वाले कुछ बदमाश पुरानी रंजिश में अपने साथियों को लेकर व्यापारी के घर पर पहुंचे और अपने दोस्तों के साथ व्यापारी के घर पर धावा बोल दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की ओर से शिकायत दर्ज कर ली है और सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात शहर शहर आवारा कुत्तों के आतंक की। शहर शहर में कुछ ऐसी तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां पर आपको आवारा कुत्ते जो है दिखाई दे देंगे लोगों पर हमला करते हुए। तस्वीर निकल के सामने आई राजस्थान के भरतपुर से, जहां पर दूध लेने गई 5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्ची दौड़ती हुई आती है, तभी एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है। हमले से बच्ची जमीन पर गिर जाती है। करीब उसके बाद 3 आवारा कुत्ते और आ जाते हैं और बच्ची को काटने लगते हैं। इसके बाद बच्ची का शोर सुनकर एक शख्स आता है और बच्ची को कुत्ते से बचाने की कोशिश करता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो 5 साल की बच्ची है, महज उसको 3 आवारा कुत्ते घेर लेते हैं, 3 से 4 कुत्तों से घिर जाती है, कुत्ते उसे काटने लगते हैं। लेकिन जब बच्ची शोर मचाती है, रोने लगती है जोर जोर से, तो पास में खड़ा एक शख्स दौड़ के आता है और उसे कुत्तों के आतंक से बचाता है, कुत्तों से बचाता है। लेकिन तब तक देखिए किस तरीके से 3 से 4 कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं, घसीटते हुए कुछ दूर तक लेके भी जाते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि शख्स वहां पहुंच जाता है और उसे कुत्तों से बचा लेता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। मिलावट पर रण खत्म हो नियंत्रण। तिरुपति तिरुमाला में प्रसादम विवाद पर साधु संतों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। तिरुपति में साधु संत अब विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। नाराज साधु संत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद मंदिरों की जिम्मेदारी हिंदुओं को सौंपने की मांग कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, तस्वीरों में आप देखिए कैसे सेव तिरुमाला सेव टीटीडी इस तरह लिखा जा रहा है। दरअसल तिरुमाला तिरुपति देशनम, ये टीटीडी की फुल फॉर्म है और यही वो संस्था है जिसके अंतर्गत जो पूरा एक कमेटी है वो चलती है तिरुपति मंदिर की, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की। और वही कमेटी तय करती है कि उस रसोई में कौन प्रसाद बनाएगा। प्रसादम की जिम्मेदारी भी इसी कमेटी के अंतर्गत आती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए आपको बता रहे हैं, साधु संतों में नाराजगी है, आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद का भी रण है कि नियंत्रण हटे। यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे हाथ में तख्तियां लेकर बैनर लेकर सेव तिरुमाला इस तरह की लोग लगातार मांग कर रहे हैं। And they have to punish it in the court.
दिस इज द मेन डिमांड ऑफ करोड़पति ऑफ हिंदुस्तान. माय नेम इज स्वामी श्रीनिवासानंद सरस्वती, एपी साधु परिषद प्रेसिडेंट. अशुद्ध प्रसाद पर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. जिस तरह से आपको बता दें, बीते दिनों ये देखा गया कि प्रसादम तिरुपति मंदिर का वो प्रसादम जो लड्डू के रूप में सभी को दिया जाता है, उसमें जानवर की चर्बी और मछली का तेल मिलाने की जानकारी सामने आई थी. उसी के बाद से साधु संतों में भी आक्रोश है. लगातार लगातार एक नाराजगी पूरे देश भर में देखने को मिल रही है. आस्था से खिलवाड़ पर देश भर में गुस्सा. घी सप्लाई करने वाली कंपनी को नोटिस. मंदिर की स्वायत्तता भी बहाल करने की उठी मांग. तिरुपति लड्डू में मिलावट को लेकर संतों से लेकर आम भक्तों के बीच भारी गुस्सा है. एक तरफ जहां मिलावट की साजिश रचने वालों पर कड़े एक्शन की मांग हो रही है, दूसरी तरफ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का भी विरोध शुरू हो गया है. विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों पर सरकारी कब्जा तुरंत खत्म करने की मांग की है. आंध्र प्रदेश के तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की एक बड़ी बैठक हुई. इस बैठक का एजेंडा लड्डू में चर्बी मिले घी का इस्तेमाल को लेकर था. विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने आरोप लगाया कि जगन मोहन सरकार ने मंदिरों को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया. विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में ही मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के मामले पर भी चर्चा हुई. वीएचपी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट लड्डू कांड का स्वतः संज्ञान ले. इस अपराध में शामिल लोगों की जल्द पहचान की जाए, निश्चित समय के अंदर सुनवाई कर दोषियों को कड़ी सजा मिले. वहीं हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से भी मुक्त किया जाए. राज्य सरकारें सनातनी लोगों को ही मंदिरों का कामकाज सौंपे. दूसरी तरफ घी में चर्बी की मिलावट को लेकर जांच भी तेज हो गई है. केंद्र सरकार भी इस मामले में सक्रिय हो गई है. केंद्र ने तिरुपति मंदिर को घी सप्लाई करने वाली एक कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया है. घी सप्लाई करने वाली चार कंपनियों के सैंपल लिए थे, जिनमें से एक कंपनी का सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया. अब उस कंपनी को केंद्र की तरफ से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. हालांकि जिस कंपनी को नोटिस जारी किया गया उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है. इस मामले को लेकर आंध्र प्रदेश की सियासत भी गर्म है. राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण इस मामले को लेकर पश्चाताप कर रहे हैं. पवन का 11 दिन का पश्चाताप जारी है. पवन कल्याण ने मंगलवार को मंदिर की सीढ़ियों की साफ सफाई कर अपनी तपस्या की और देवताओं से माफी मांगी. इस मामले में जगन मोहन सरकार निशाने पर आ गई है. जगन मोहन रेड्डी की पार्टी इस मामले में खुद फंसाए जाने का आरोप लगा रही है. पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. करोड़ों भक्तों से जुड़ा ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में मामले की जांच के लिए SIT जांच की मांग की गई है. फिलहाल भक्त गुस्से में हैं और सनातन के खिलाफ हुई साजिश में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.